अपराधियों को पकड़ने के लिए चीन की पुलिस चेहरे को पहचानने की तकनीक से लैस चश्मे का प्रयोग कर रही है। चीन के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर इस चश्मे के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। चीन के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा यह चश्मा भारी संख्या में यात्रियों के बीच अपराधियों पर नजर रखता है। चश्मे के जरिए पुलिस डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के साथ यात्रियों की पहचान मिलानी होती है ताकि कोई अपराधी बचकर ना निकल सके। खबरों के मुताबिक हेनान प्रांत के झेंगजू पूर्वी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उच्च तकनीक वाले चश्मे पहने रेलवे पुलिसकर्मी तैनात हैं। चश्मे के जरिए पुलिस डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के साथ ही यात्रियों की पहचान मिलानी होती है ताकि कोई अपराधी निकल ना पाए। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अभी तक मानव तस्करी और हिट एंड रन के 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि पहचान बदल कर यात्रा करने वाले 26 मामले दर्ज किए गए हैं। हेनान के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक यह चश्मा गूगल के ग्लास जैसा है जो पुलिस डेटाबेस से जुड़ा होता है। चश्मे में कैप्चर किए गए चेहरों की पहचान वांछित सूची पर संदिग्धों की तुलना करने के लिए डेटाबेस में वापस भेजी जाएगी। नई तकनीक को डेटाबेस से तुलना करने के लिए फोटो की आवश्यकता होती है। पुलिस कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले चश्मे टैबलेट व कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इनमें एक बार यात्रियों का चेहरा स्कैन हो जाने पर पुलिस डेटाबेस में इन चेहरों का मिलान हो जाता है, जबकि पहले एक अपराधी को पकड़ने के लिए उसके चेहरे की अलग अलग एंगल से तस्वीरों की जरूरत पड़ती थी। चीन ने हाल ही के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी को लागू किया गया है। शंघाई ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी करने के लिए रखा है। वहीं दूसरे शहरों ने त्योहारों के दौरान दर्जनों संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन ने 2020 तक 95% सार्वजनिक क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरे व इंटरनेट की जद में लाने का लक्ष्य रखा। अपराधियों को पकड़ने के लिए चीन की पुलिस चेहरे को पहचानने की तकनीक से लैस चश्मे का प्रयोग कर रही है। चीन के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर इस चश्मे के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। चीन के सेंट्रल डेटाबेस से जुड़ा यह चश्मा भारी संख्या में यात्रियों के बीच अपराधियों पर नजर रखता है। चश्मे के जरिए पुलिस डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के साथ यात्रियों की पहचान मिलानी होती है ताकि कोई अपराधी बचकर ना निकल सके। खबरों के मुताबिक हेनान प्रांत के झेंगजू पूर्वी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उच्च तकनीक वाले चश्मे पहने रेलवे पुलिसकर्मी तैनात हैं। चश्मे के जरिए पुलिस डेटाबेस पर उपलब्ध जानकारी के साथ ही यात्रियों की पहचान मिलानी होती है ताकि कोई अपराधी निकल ना पाए। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अभी तक मानव तस्करी और हिट एंड रन के 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि पहचान बदल कर यात्रा करने वाले 26 मामले दर्ज किए गए हैं। हेनान के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक यह चश्मा गूगल के ग्लास जैसा है जो पुलिस डेटाबेस से जुड़ा होता है। चश्मे में कैप्चर किए गए चेहरों की पहचान वांछित सूची पर संदिग्धों की तुलना करने के लिए डेटाबेस में वापस भेजी जाएगी। नई तकनीक को डेटाबेस से तुलना करने के लिए फोटो की आवश्यकता होती है। पुलिस कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले चश्मे टैबलेट व कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इनमें एक बार यात्रियों का चेहरा स्कैन हो जाने पर पुलिस डेटाबेस में इन चेहरों का मिलान हो जाता है, जबकि पहले एक अपराधी को पकड़ने के लिए उसके चेहरे की अलग अलग एंगल से तस्वीरों की जरूरत पड़ती थी। चीन ने हाल ही के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने की महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी को लागू किया गया है। शंघाई ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी करने के लिए रखा है। वहीं दूसरे शहरों ने त्योहारों के दौरान दर्जनों संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन ने 2020 तक 95% सार्वजनिक क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरे व इंटरनेट की जद में लाने का लक्ष्य रखा।